दिल्ली सरकार ने भाजपा के आक्रामक प्रवक्ताओं और टीवी चैनलों की गूंजती आवाजों ने अब तक आपको ये बता ही दिया होगा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने शराब के साथ साथ डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाने का फैसला लिया है। पर क्या आपने सोचा कि जिस सरकार ने पिछले 5.5 साल में कभी किसी प्रकार का टैक्स बढ़ाए बिना जनता की जेब भरी हो, आज उस सरकार को टैक्स बढ़ाने की नौबत क्यों आन पड़ी? दरअसल इस वक्त दिल्ली देश का इकलौता राज्य है जो न सिर्फ कोरोना से लड़ने को स्वास्थ्य सेवाओं में आक्रामक सुधार कर रहा है बल्कि मुश्किल की इस घड़ी में अपने लोगों का पेट भी भर रहा है। केजरीवाल सरकार एक ओर जहां दिल्ली के 1 करोड़ लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचाने का काम कर रही है तो वहीं दूसरी ओर कोरोना के टेस्ट के मामले में भी दिल्ली देश में नंबर 1 है। चाहे बात बेघरों को राहत शिविरों में रुकवाने की हो या कोरोना केयर सेंटर बनाने की, दिल्ली हर दिशा में सबसे आगे नजर आती है। मगर इन सब चीजों के लिए जरूरत होती है बजट की। जहां हर साल अप्रैल के महीने में दिल्ली सरकार का रेवेन्यू 3400 करोड़ रुपए आता था तो वहीं इस बार लॉकडाउन के चलते ये मात्र 323 करोड़ रुपए ही आ पाया है। इस मुश्किल समय में केंद्र सरकार जहां देश के 27 राज्यों को 17000 करोड़ की मदद मुहैया करा रही है वहीं दिल्ली के लिए केंद्र की सरकार के पास एक पैसा भी नहीं है। आपको याद दिला दें कि दिल्ली सरकार द्वारा एकत्रित किए जाने वाले रेवेन्यू से दिल्ली की जनता को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 20,000 लीटर मुफ्त पानी तथा मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। आप सभी ये बात जानते हैं कि लॉकडाउन से कोरोना कहीं नहीं जाने वाला। लॉकडाउन तो सरकारों को सिर्फ उनकी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने का समय देता है। अगर हम डेटा को देखें तो हमें साफ दिखेगा कि दिल्ली ने ये तैयारी अच्छे से कर ली है। जहां एक ओर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के मामले में दिल्ली देश में तीसरे पायदान पर है वहीं कोरोना से जाने वाली जानों के मामले में दिल्ली का स्थान 9वां है। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या की बात करें तो यहां भी केरल के साथ दिल्ली देश में सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली सरकार ने मजदूरों, ऑटो तथा ई रिक्शा चालकों को 5,000 रुपए प्रतिमाह की सहायता राशि देने के साथ विकलांगों, बुजुर्गों, विधवाओं की पेंशन को दोगुना करने का काम भी किया है। यही नहीं, जो काम MCD के थे वो भी केजरीवाल सरकार ही कर रही है। हमें हर रोज आम आदमी पार्टी के विधायक जापानी मशीनों के द्वारा सड़कों का सैनिटाइजेशन करते नजर आ जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या इन मुश्किल हालातों में जब हमें अपने गरीबों का ध्यान रखने के साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है तब 5.5 सालों में पहली बार टैक्स बढ़ाने का फैसला गलत कैसे हो सकता है।